control, I'm in control, high in the clouds, I stay in the zone, keep it home grow, money I'm blown. Hello दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिसीज्ड का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए आप इससे पहले के एपिसोड्स देख सकते हैं, या फिर आई बटन में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए भी। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉशिंगटन DC, जहाँ पर सब तरफ तबाही मची हुई थी। किसी ने कहा था कि अगर आपके पास हैमर है तो आपको सब तरफ कील नजर आएगी। और यहाँ पर कैप्टन एटम किसी का इंतजार कर रहा था। और तब हम देखते हैं एक इन्फेक्टेड को, जो कि टेबल पर बंदी हुई थी, जहाँ पर कैप्टन एटम कहता है कि रे पाल्मर अभी भी अंदर है, उस मॉन्स्टर के अंदर। जहाँ पर एक औरत बताती है कि कैप्टन हमारे पास टाइम नहीं है। तब कैप्टन एटम कहता है कि ये चेन ऑफ एक्शन है, और अगर प्लग प्रोटोकॉल बी के हिसाब से रे पाल्मर श्रंक होकर उसके अंदर गया है ताकि वो वायरस को नजदीकी से जान सके, और एक बार उसने बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए और उन्हें डिस्टेबिलाइज करने का तरीका ढूंढ लिया तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन उस औरत का कहना बिल्कुल भी कैप्टन से सहमत नहीं था। प्लग प्रोटोकॉल सी अराइव्ड हो चुका है। उसका कहना था कि सैटेलाइट इमेजिनरी की वजह से काफी एरियाज पर डैमेज हुआ है और आपको उसके लिए निकलना होगा। ये सच था कि अगर आपके पास हैमर है तो आपको सब तरफ कील नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर कील नहीं बल्कि एक पूरा एरिया था, या फिर पूरी दुनिया थी, जो कि अंडेड एपोकैलिप्स से गुजर रही थी। और यहाँ पर मिलिट्री के पास एक ऐसी लिविंग बीइंग थी जो कि एटॉमिक फायर से भरी हुई थी, और ये पूरी तरह से खत्म होने वाला था। तभी एटम को अपने शरीर में कुछ महसूस होता है, जबकि वो वहाँ पर ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। तब उससे पूछा जाता है कि कैप्टन एटम क्या हुआ। तब वो बताता है कि कुछ मेरे अंदर है। तब हम देखते हैं रे पाल्मर को, जो कि उसके सारे मॉलिक्यूलर सेल्स को तबाह कर रहा था। कैप्टन एटम एक रूम शेयर कर रहे थे रे पाल्मर के साथ। रे पाल्मर इसे थोड़ी देर पहले देखा नहीं गया था। साइंटिस्ट का कहना था कि वो अभी इन्फेक्टेड हो चुका है और इक्वेशन उसके साथ कैप्टन एटम के अंदर आ चुकी है। माइक्रोस्कोपिक मैन ने लिविंग वेपन का हार्ट सीज कर लिया था, और अब एंटी लाइफ इक्वेशन एक बहुत बड़े हैमर के साथ इस दुनिया पर राज करने वाली थी, मेट्रोपोलिस, जहाँ पर सुपरमैन आता है अपनी माँ के साथ। और वापर आने के बाद सबको पता चलता है कि सुपरमैन के फादर नहीं रहे। यहाँ पर लुइस लेन रेडी थी ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडियो और टेलीविजन चैनल्स पर। यहाँ पर सुपरमैन कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि लोगों को मेरी जरूरत है। तब डायना और ऑलिवर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। और उसके सीने पर हाथ रखते हुए वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे छाती पर ऐसे हाथ रखना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि तुम आसानी से मुझसे पार हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक दोस्त के नाते। यहाँ पर डायना कहती है, क्या होगा कि अगर तुम वहाँ पर जाओ और तुम अचानक से हमारे लिए एक थ्रेट बन जाओ तो। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तब वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, तुम भी स्क्रीन देख सकते हो। तब वो कहता है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने एक्सरे विजन ऑन कर ली है, और ये तब से है जब से मैंने ये सब देखा। उसके नैनो सेकंड बाद से ही मैंने अपनी एक्सरे विजन शुरू कर दी। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तब डायमंड कहता है कि तो फिर टाइम ढूंढो, और वो आगे बताता है कि यहाँ पर कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा, तो हमें वो ढूंढना होगा। तब डायना कहती है कि डायमंड सही कह रहा है, यही जवाब है, और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। हमने उन लोगों को जमा किया जिन लोगों को हम जमा कर सकते थे। यहाँ पर लुइस लेन बता रही थी लोगों को रेडियो पर रिग्रुप होने के लिए, और उनमें शामिल थे आम आदमी, कुछ हीरोज और कुछ टाइटंस। जहाँ पर वो कहती है कि हमें पता है कि वर्ल्ड एक नाइटमेयर की तरह बढ़ रहा है, और अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं है। ये कॉल्स फ्रेंड्स तक पहुँच चुके थे, हीरोज तक पहुँच चुके थे, और विलन्स तक पहुँच चुके थे। हमें रिग्रुप होना होगा और हमें जस्टिस लीग के साथ मिलकर मेट्रोपोलिस में लड़ना होगा, और अगर कोई ऐसी पावर है आपके साथ या फिर आपके पास जो कि इस सब को तबाह कर सके, या फिर आप हमारे साथ मिलकर इस सब को रोक सके, और अगर आप सेफ हो तो यहाँ पर आने के लिए कैपेबल हो तो निकल पड़े यहाँ पर आने के लिए। और ये कॉल दुनिया पार करके जा चुका था थर्मिस्क्रिया, जहाँ पर मेरा आती है हिपोलिटा से मदद मांगने, और वो बताती है कि आर्थर और मेरे लोग जा चुके हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। और यहाँ पर एक क्वीन आ चुकी थी, जहाँ पर हिपोलिटा कहती है, मेरा तुम्हारा स्वागत है थर्मिस्क्रिया में। यहाँ पर वो कॉल वंडर वुमन सुन चुकी थी, और वो निकल चुकी थी मेट्रोपोलिस के लिए क्योंकि उसे एक नाइटमेयर के साथ फाइट करनी थी। कीस्टोन सिटी, जहाँ पर सुपरमैन और डायना, फ्लैश,
यानी बैरी एलन और वैली वेस्ट को ढूंढ रहे थे और उससे वो दोनों मिल जाते हैं और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। तो वो कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि बैटमैन ने थोड़ी देर पहले हमें कॉल किया था और उसका कहना था कि हम अगर यहाँ से निकले तो हम दोनों बड़ा खतरा बन सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड फोर्स है वो किसी भी तरह से उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर डायना को देखकर वो पूछता है कि तुम अब ग्रीन लैंटर्न बन चुकी हो। तब डायना कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी इन सब से इन्फेक्टेड होने से। गौतम जहाँ पर बर्ड ऑफ प्रे या फिर ज़ॉम्बी बर्ड्स ऑफ प्रे से लड़ रही थी हार्ली क्विन अकेली और आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो सभी उस पर अटैक करती है कि तभी पॉइजन आईवी अपने ग्रीन के साथ वहां पर आती है और उन सबको मार देती है और वो दोनों ही वहां से चली जाती है। यहाँ पर लुइस अपने रेडियो पर लगी हुई थी, तभी जॉन को कुछ सुनाई देता है। वो कहता है मैंने ऐसा सुना कि बिजली कड़क रही है, और तभी ब्लैक लाइटनिंग अनिशा से कहता है। तब वो कहती है कि मैंने नहीं किया। तब ग्रीन एरो कहता है लगता है जैसे कि कोई खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, मैंने काफी समय से ये नहीं सुना था। और तब वो देखते है कि जायजेंटा एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो लोग उसे डेली प्लेनेट से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ मिसाइल्स आती है और उसे हिट करती है। तब हम देखते हैं बैटविंग को और जायजेंटा उस बैटविंग को पकड़ती है कि तभी डायना उस बैटविंग को पकड़ लेती है और सुपरमैन एक पंच में ही जायजेंटा को नीचे गिरा देता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है वंडर वुमन की जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सुपरमैन उसे पकड़ते हुए कहता है कि रुको डायना। तब डायना कहती है तुम सीरियस हो क्लार्क, क्योंकि ये अंडर जायंट है और अगर हमने इसे मौका दिया तो ये फिर से उठकर हमें मारेगी। तब वो कहता है कि बैटमैन ने कहा था कि ये इन्फेक्टेड है और अभी भी होप है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्टेड है तो इसका इलाज जरूर होगा। लेकिन तभी एक बहुत जोरदार धमाका होता है और तब हम देखते हैं कि उस जायजेंटा के सिर के दूसरी तरफ साइबॉर्ग खड़ा था जिसने अपने साइज का एक होल बना दिया था उसके दिमाग में। तब सुपरमैन पूछता है विक तुमने ये क्यों किया। तब वो बताता है कि वो जिंदा नहीं थी, उनमें से कोई भी नहीं, और हमें इस बारे में बात करनी है। यहाँ पर डैमियन बैटविंग नीचे उतारते ही उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसमें से ब्रूस नहीं बल्कि अल्फ्रेड निकलता है और वो उसे सूटकेस देता है जो कि बैटमैन ने उसके लिए तैयार किया था। और अल्फ्रेड उसे बताता है कि उन्होंने कहा था कि तुम इसके लिए वर्दी बन चुके हो और उन्हें तुम पर नाज है, वो तुमसे हमेशा यही कहते थे। यहाँ पर अनिशा वैली और बैरी दोनों को अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज देती है। तब ब्लैक लाइटनिंग कहता है कि ये थोड़ा हेडेक बन सकता है शुरुआत में, लेकिन ये ज़ॉम्बी बनने से काफी अच्छा है क्योंकि इस वजह से हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, स्क्रीन भी नहीं, सब कुछ ब्लरी दिखता है। यहाँ पर साइबॉग कह रहा था कि वो ज़ॉम्बीज नहीं है। तब ग्रीन एरो कहता है क्या बात कर रहे हो, क्योंकि वो लोग चलते और लड़ते उन्हीं की तरह है, यहाँ तक कि वो आवाज भी ज़ॉम्बीज की तरह ही निकालते हैं। तब वो कहता है कि वो ब्लाइट्स है, वो एंटी लाइफ इक्वेशन के एक्सटेंशन है और जो ब्लाइट बन चुके हैं वो अभी भी जिंदा नहीं है, वो सिर्फ डेथ को स्प्रेड कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय लाइफ के, वो उसे सेंस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और मिटा सकते हैं, तो अब हम उनके लिए अट्रैक्शन बन चुके हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कैनरा सोनरस यानी कि हॉग गर्ल नीचे गिरती है अपने जले हुए पंखों के साथ और यहाँ पर वंडर वुमन उसे कैच करते हुए नीचे ला रही थी। तब वो बताती है कैप्टन एटम वो उनमें से एक बन चुका है और उसी ने उसके पंख जला दिए। तब वो पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तब हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में एंटी लाइफ इक्वेशन ने एक आदमी को पजेस कर लिया था, मैन विथ एटॉमिक फायर, और हमारे पास वॉरियर गॉडेस और मैन ऑफ स्टील जो कि स्टार से आया था वो थे और वो दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड को हमेशा से, और उन दोनों ने उसे ले जाकर आसमान में छोड़ दिया। लेकिन धमाका इतना जोरदार बना कि इससे कोई नहीं बच पाया, ना गॉडेस ना ही मैन ऑफ स्टील। वॉशिंगटन तुरंत मिट्टी में मिल गया, ब्लास्ट अभी भी बढ़ रहा था और आखिरकार उसका एक छोटा सा हिस्सा आकर लगा मेट्रोपोलिस में, जहाँ पर जो लोग अभी डेली प्लेनेट की छत पर थे वो सभी सदमे में आ जाते हैं। और यहाँ पर हैमर पूरी ताकत के साथ नीचे आ चुका था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद। Control, running control, high in the clouds, I stay in the zone, keep it homegrown, money I'm blowing.